इसराइल में भारतीय युवक पर हमला, कोरोना कोरोना चिल्लाकर भीड़ ने पीटा। इसराइल में भारतीय युवक के साथ जो हुआ नस्लीय भेदभाव की जड़ें हिला देने के लिए काफी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 मार्च टिबेरिया सिटी में मणिपुर के एम शालेम सिंगसन को दो लोगों ने पहले तो चीनी कहकर बुलाया और फिर कोरोना कोरोना कहकर उन पर टूट पड़े। हमलावरों की पिटाई से सिंगसन घायल हो गए। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो संदिग्धों की तलाश में जुटी है। सिंगसन ने पुलिस को बताया, मैंने हमलावरों को ये बताने की कोशिश भी की कि ना तो मैं चीन से हूँ और ना ही कोरोना वायरस से संक्रमित, लेकिन वो लोग नहीं रुके और मेरे साथ मारपीट की। इस मामले की जांच होनी चाहिए, मगर इस मामले से इस बात की तस्दीक जरूर हो रही है कि कोरोना वायरस पर लोगों के मन में चीन के खिलाफ जो गुस्सा है वो नासूर ना बन जाए।